नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। वक्त हो गया दिन की 25 बड़ी खबरें बताने का। आगरा में भीषण सड़क हादसा, लखनऊ से दिल्ली जा रही बस नाले में गिरी, 29 लोगों की मौत। आगरा हादसा, सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। आगरा हादसा, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और परिवहन मंत्री मौके के लिए रवाना। आगरा हादसा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया संज्ञान, सीएम योगी से की बात। कर्नाटक में सियासी नाटक जारी, सरकार बचाने के लिए इस्तीफा दे सकते हैं कुमार स्वामी। गुलाम नबी आजाद ने कहा, सरकार गिराने की मंशा से बीजेपी हमारे कर्नाटक के विधायकों को मुंबई ले गई है। कर्नाटक के सियासी नाटक में शिवसेना की एंट्री, बीजेपी से कहा तोड़फोड़ की राजनीति पर राष्ट्रीय नीति हो। गौ तस्करी के शक में 25 लोगों को गोरक्षकों ने रस्सी से बांधा, लगवाए गौ माता की जय किनारे। मुंबई में फिर भारी बारिश, एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकी गई। गुजरात के वलसाड में आफत लेकर आई बारिश, शहर बना समंदर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आरबीआई बोर्ड के साथ करेंगी बैठक। स्कूली शिक्षा में होगा बड़ा बदलाव, अब सिर्फ 3 साल की होगी प्राथमिक शिक्षा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग, मध्य प्रदेश में लगे पोस्टर। मारपीट के विरोध में LNJP अस्पताल के डॉक्टर आज से कर सकते हैं हड़ताल। 14,293 शिव भक्तों ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। बुरहान वानी की बरसी आज, कड़ी सुरक्षा के बीच रोकी गई अमरनाथ यात्रा। कांग्रेस मंत्रियों की बैठक, विधानसभा भंग कराने के विकल्पों पर भी गौर। अखिलेश यादव ने कहा, बेपटरी कानून व्यवस्था पर राज्यपाल क्यों है खामोश। जयपुर के सिकंदर का कबूलनामा, 25 बच्चों से कर चुका दरिंदगी, अब फांसी पर लटकाने की मांग। दुष्कर्म के शिकार बच्चे की आंत फटी, डॉक्टर ने बंद किए प्राइवेट पार्ट्स। पाक आतंकियों के निशाने पर भारतीय दूतावास, मंडरा रहा जैश का खतरा। अलीगढ़ में मुस्लिम महिला ने ज्वाइन की बीजेपी, तो मकान मालिक ने घर छोड़ने को कहा। जायरा वसीम के बॉलीवुड छोड़ने पर बोली कंगना, धर्म आपको सशक्त बनाता है। आज के दिन दो महान बांग्ला विभूति ज्योति बसु और सौरभ गांगुली का हुआ था जन्म। बजट के बाद बाजार में गिरावट का दौर जारी, सेंसेक्स 400 अंक टूटा। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी।